हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। यार मेरा नाम है वजात। हो यार अपना तो भाई रावण बड़े गुस्से में है और उन्होंने भाई। जिद लगा ली कि मैंने भगवान हाँ शिव जी को पाना पाना है, लेकिन अब आगे देखते आगे होता कहे है क्या। क्या। तो स्टार्ट। देवराज क्या बात है, आप ठीक तो हैं? मुझे सूचना मिली कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों देवताओं, अपितु इस संसार के हित का प्रश्न है और आप केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। उत्तम, मुझे प्रसन्नता हो रही है देवराज कि आप देवताओं तथा इस सारे संसार के हित के विषय में सोच रहे हैं। अच्छी बात है। कहिए देवराज, क्या सहायता करूं? दशानन, अपनी भक्ति के माध्यम से महादेव के अत्यंत निकट आ चुका है। महादेव ने, माता पार्वती ने अपना स्वर्ण भवन भी उसे दक्षिणा के रूप में दे दिया। कहीं किसी दिन स्वर्ग ना दे दे। और आपने देखा था किस तरह से दशानन महादेव एवं उनके परिवार को अपने साथ ले जाना चाहता था। महादेव के आशीर्वाद से दशानन अत्यंत शक्तिशाली बन चुका है। ये तो और दूसरी ओर सच है, सुमाली एवं उनके परिवार के सदस्य दशानन को समझाने में जुटे हैं, उसकी मनोस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं वे। दशानन की शक्तियां सुमाली या अन्य किसी भी राक्षस के नियंत्रण में आ गई तो उसका क्या परिणाम होगा, यह आप भली भांति जानते हैं। इनको वो फिक्र सताई जा रही है। किंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दशानन अपनी भक्ति के ढोंग से अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। यदि हम उसका ये वास्तविक रूप महादेव के सामने ले आए तो महादेव से दूर हो जाएगा, और जैसे ही वो महादेव से दूर हुआ, इंद्रदेव जी उसे महादेव की कृपा से प्राप्त सारी शक्तियां उससे छिन जाएंगी, और शक्तियों के अभाव में हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हो इनको डर है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपकी सहायता करूंगा। अवश्य नर जी भी समझ गए हैं इनको क्यों डर। चलो पार्वती। स्वामी, दशानन के भवन निर्माण के उपरांत हमें कैलाश और भी प्रिय हो गया। तो भी भगवान शिव जी की वजह से आई है। क्या तुम्हारे ये चाल उचित है? स्वामी, हमें अच्छा लगता है जब आप हमें चाल चलने देते हैं और हमें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं उसे स्वयं परखने की और ये समझने की कि हमने जो किया वो उचित है या नहीं, और यदि हमसे कोई भूल हो जाए हर चीज तो आप हमें उसे सुधारने का अवसर भी देते हैं। जैसे कि भवन की बात। किंतु उस भवन के लिए तो तुम्हें मेरी पूरी स्वीकृति थी पार्वती, स्वप्न था वो तुम्हारा, और तुमने इतनी सहजता से उसे दशानन को दे दी। स्वामी, हमने कहा ना, जब बात आपकी सामाजिक मर्यादा की हो तो ये समस्त संसार हमारे लिए महत्वहीन हो जाता है। ये
रावण आ गया। बेचारा क्या नारायण नारायण दशानन, क्या बात है, इतना भव्य भवन प्राप्त करने के पश्चात भी तुम्हारे मुख पर वो प्रसन्नता दिख नहीं रही है। उन्होंने जो काम करना था वो हुआ नहीं। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि महादेव को यहाँ लाने में तुम असफल रहे? वही बात है। यदि यही कारण है तो मेरे पास एक सुझाव है। क्या? दो विकल्प हैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के मेरे पास। क्या? कैसे विकल्प? प्रथम विकल्प तो ये है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अच्छा अच्छा, जिस प्रकार तुम महादेव की भक्ति कर रहे थे वैसे ही करते रहो, वैसे ही, महादेव मिले या ना मिले। और दूसरा विकल्प? हाँ, दूसरा विकल्प ये है कि महादेव को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम प्रयत्न करते रहो। शानंद, तुम अच्छा, अपनी शक्ति से अच्छा, इतना बड़ा स्वर्ण भवन उठाकर कैलाश से यहाँ ले आए, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अब नर भी उनको समझाना चाहता है। इंद्र देव जी ने कहा, सुझाव तो अच्छा है देवर्षि, मेरे प्रभु कैलाश पर रहना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं समस्त कैलाश ही उठा कर ले। कैलाश? तो ये कैलाश उठा सकता है ना, मुझे हर क्षण उनके दर्शन भी होते रहेंगे। भवन तो कैलाश। नारायण नारायण, कैलाश को उठा कर यहाँ? क्या रावण कैलाश उठा सकता है? कर पाओगे? भगवान शिव जी स्वयं रहते हैं। मेरी भक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं है आपको नारायण। वो तो पता है भक्ति तो विलंब ना करो, किंतु यहाँ से कैलाश और कैलाश से यहाँ ये आवागमन इतना शीघ्र कैसे करोगे? अब कैलाश कैसे, भगवान तो समझ आता है जुड़ा हुआ। इसका उपाय है मेरे प्रातः कुबेर के पास। लेकिन उसके पास क्या है जिसमें इतना जल्दी आ जाएगा? हाँ स्वामी, अभी तो हमारा विवाह हुआ था और अब शीघ्र ही हमारी पुत्री के विदा होने का समय आ रहा है। चार दिन ही लगता है, टाइम भी पता लगता नहीं है। समय कहाँ बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। स्वामी, अब तक की यात्रा अत्यंत सुखदायी और संतोषप्रद, जिस प्रकार आपने सदैव हमारा साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, इस सबका श्रेय आपको जाता है स्वामी। भगवान शिव जी तो हमेशा साथ रहते हैं भाई। क्या भाई, वाह क्या। नहीं पार्वती, इतना श्रेय तुम मुझे दे रही हो, उतना ही योगदान तुम्हारा भी। ये माता जी भी बहुत समझदार ना, यदि तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं तो चौसर भी नहीं खेल पाता। देखा, अच्छा माता जी भगवान शिव जी को दे रही है और भगवान शिव जी माता को। स्वामी, पिछली बार भी आपने जानबूझ के ऐसी ही चाल चली थी जिससे आप पराजित हो जाते। भाई प्यार है, किंतु इस बार हम अपनी सामर्थ्य से आपको पराजित करना चाहते हैं। अच्छा, वो तो आप दोबारा चाल चलिए। भगवान शिव जी को भी जीत देते हैं हमेशा। मूल आवश्यकताओं के सिवा सहज रूप से जो भी मिले उसका आनंद ही सच्चा सुख है, और ना कि इच्छाओं में वृद्धि करके उन्हें पूरा करने हेतु अपना जीवन व्यतीत करने। माता जी समझ चुकी है, सत्य का बोध हो गया है हमें। यही बात है, मैं भी यही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बात तब यह समझ संसार इस तथ्य को समझेगा
और इसे सहज स्वीकार करेगा। संसार समझेगा भाई। अब यार तू खुद अंदाजा लगा। अब भाई रावण कह रहा है मैं कैलाश ही यहाँ पे ले आऊंगा। यार क्या हो गया है यार, मतलब इतनी कहता है मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि मैं ले आऊंगा। कैलाश कैसे उठाएगा यार, कैलाश एक जगह पे तो नहीं है ना। चलो माना कि ये भवन ने बहुत बड़ा था, उठा लिया। समझ जो कैलाश की टोटल सीमा ना चारों इर्द गिर्द से, उधर से ये उखाड़ेगा और उसको उठाएगा। ऊपर कितना बड़ा भवन है। ओ सॉरी कैलाश, अबे भवन तो समझ जाता है आजकल, जैसे हम कहते हैं चार किनार आठ किनार। मैं भी वही बात कह रहा था कि देख भवन भवन है लेकिन कैलाश को कैसे उठाएगा कैलाश में। लेकिन वो कहता मैं करूंगा, कहता मैं अपनी भक्ति की शक्ति से सब कुछ करूंगा। और भाई नाथ जी ने कहा कैसे, कहता कि वो भ्राता कुबेर जी के पास है लेकिन उनके पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से। और भाई जल्दी आ जाएगा भवन इसने बनाया था तो भगवान शिव जी ने भवन दे दिया था, भगवान शिव स्वयं जिसमें रहते हैं वही उठाएगा रावण। सोच यार ये कहीं मुझे शक हो रहा है कहीं ये रावण इसीलिए तो बुरा नहीं बने भक्ति के पीछे पीछे कर करके। तो यार यही है ना चक्कर। अब ये देख यार एक सोचने की बात है, भवन तो बनाया इसने, दे दिया उठाकर ले गया। अबे वही कैलाश स्वयं खुद भगवान शिव जी का है, वही ना उसको और उसको उठाने की बातें गा रहा है। हाँ और उधर से इंद्रदेव जी भी इसी वजह से डर रहा है कि क्यों ये कहीं अगर बिगड़ गया और इतना ज्यादा शक्तिशाली इसको खतरा होता है वह कुर्सी का। तभी तो नर जी को बोला समझाओ, नर जी ने तभी तो आकर समझाया रावण जी को। लेकिन यार अब सबसे बड़ी बात है माता जी फुल फुल तरीके समझ चुकी हैं और ना उसकी शादी भी करीब है भाई। यार अब यार मतलब क्या मजा आ जाएगा। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो बाय।